Assalamu alaikum. Derivation and calculation of the Avogadro's number. Avogadro's number ये इसको हमने देखना है, और इससे पहले जो आप previous lecture में पढ़ कर आए हैं वो है derivation of the barometers. तो हम वहाँ से अपनी बात को, इसकी जो derivation है इसको start करते हैं. आप previous lecture में ये पढ़ कर आए हैं कि डेल्टा पी माइनस डी पी इज इक्वल टू रॉ जी डी एच. इसको आप इक्वेशन नंबर वन कह दें. ये प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा है. इसमें ये डिक्रीज इन प्रेशर, ये वो, ये सारी चीज़ें हम अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं, और इसका लिंक जो है वो मैं आपको दे दूंगा. तो इसकी डेरिवेशन हो चुकी है, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है. तो मेरे पास है जी एक ये वाली इक्वेशन, मैं ज़रा साइड पे लिखता हूँ ताकि हमारी एक ही दफ़ा ये वाइट बोर्ड के ऊपर ये चीज़ें सारी पूरी आ जाएं. तो हमारे पास होगा जी माइनस डी पी इज इक्वल टू रॉ जी एंड डी एच. ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं. ये हो गया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं. हमारे पास एक इक्वेशन और थी जो रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी, जिसे हम फाइंड करते थे, और वहाँ से ये भी हम फाइंड करके आ चुके हैं. पी वी इज इक्वल टू वन बाई थ्री एम एन सी स्क्वायर बार. ठीक है, सी स्क्वायर बार, ये सी स्क्वायर बार है ये वाला, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं. इसको मैं इक्वेशन नंबर टू कह देता हूँ. अब ये जो इक्वेशन नंबर टू है ना, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बिकम पी वी इज इक्वल टू वन बाय थ्री एम एन सी स्क्वायर बार. ठीक है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड टू से कर दूं. इसको मैं अगर यूं लिख लूं तो दिस इज द टू बाय थ्री इंटू वन बाय टू एम एन सी स्क्वायर बार. ठीक है, सी स्क्वायर बार, तो ऐसे भी लिख सकता हूं. अब ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको रख लेते हैं इज इक्वल टू द ई के. तो ई के इज इक्वल टू वन बाई थ्री एम एन सी स्क्वायर बार. तो ये लिखने का ये पर्पज है कि ये हमारे पास यहाँ पे ये शॉर्ट है, बार बार हमें इसको लिखना नहीं पड़ेगा. ठीक है, इसको हम इसके बराबर रख लेते हैं. इसको हम पुट कर देते हैं जी, इसको इक्वेशन नंबर थ्री कह दें. पुट इन इक्वेशन नंबर थ्री, ये थ्री है तो ये थ्री बन गई पी वी इज इक्वल टू टू बाई थ्री ई के. ठीक है, अब यहां पर अगर हम इस ई के को देखें तो ये जो ई के है ना, मैं बल्कि ऐसे ही लिखूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. अब हम अगर इस सिर्फ ई के देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री बाय टू पी वी. ऐसे ही है जी, ये टू बाई थ्री था ना, इधर चला गया तो ये उलट गया, ये वाला फिगर थ्री बाई टू हो गया, पी वी ऑलरेडी था, तो ई के की वैल्यू ये वाली आ गई. और हम ये भी जानते हैं कि फॉर वन मोल फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन हमें पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, और फॉर वन मोल एन इज इक्वल टू वन होता है, तो पी वी इज इक्वल टू द आर टी भी होता है. ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको इक्वेशन नंबर फोर कह दें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द पी वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी वी इन इक्वेशन नंबर फोर, तो इट विल बिकम ई के इज इक्वल टू थ्री बाई टू आर टी.
लें जी इसको आप बेटा जी चाहें तो इक्वेशन नंबर 5 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपनी इस इक्वेशन नंबर 3 के पास। अब हमने जस्ट ये जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसको जरा ये सिंपलीफाई किया तो ये सारी चीजें हमारे पास ये डिटरमिन हो गई। तो ये है हमारे पास जो इक्वेशन नंबर ये वाली, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स। सो इक्वेशन नंबर 3 बिकम, मैं इधर लिखने लगा हूं, पी वी इज इक्वल टू 2/3 ई के फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इससे मैंने ये लिख लिया, ये 2/3 इसको ई के बराबर लिख दिया मैंने और ये पी वी है। आप लोगों को पता है कि डेंसिटी क्या होती है जी, आप कहते हैं जी मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर यहाँ से इस वॉल्यूम को देखना हो कि इसकी वैल्यू क्या है तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये m over, ये देखिए ना, ये m है, v इधर चला गया और ये इधर आ गया, m over डेंसिटी, यानी कि मास over डेंसिटी। और इसकी वैल्यू को मैं इधर पुट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा p, इसको मैं m over raw डेंसिटी 2/3 ई के। अब यहाँ से मैं इस रॉ को इधर ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पी एम, ये 2/3 ई के ऐसे ही था, इधर आ गया जनाब डेंसिटी रॉ। अब ये अगर मैं सिर्फ रॉ की वैल्यू निकालनी हो तो ये वाला फिगर इधर 2/3 है ना, इधर आके ये 3/2 हो जाएगा, तो इट विल बिकम 3/2 पी एम, ये ई के उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास रॉ की वैल्यू निकल आई। इसको बेटा जी आप इक्वेशन नंबर 6 कह सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इसको रॉ की वैल्यू हमने निकाल ली और इस डेंसिटी की वैल्यू को अब ले जाके हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, इट विल बिकम माइनस डी पी इज इक्वल टू रॉ, ये रॉ की जगह के ऊपर ये लिख देना, 3/2 पी एम ओवर ई के, ठीक है, उसके साथ आ गया इधर जी, इधर आ गया डी एच आ गया, ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है। इसके बाद आगे क्या करेंगे जी, इसको रीअरेंज दिस, इट विल बिकम, ये जो है ना माइनस डी पी, ये पी को मैं इधर ले आऊं तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ठीक है, कर लिया। अब बाकी क्या बच गया, इधर 3/2 इधर ई के, ये पी इधर आ गया था, बाकी इधर क्या रह गया था, एम जी डी एच। अब हम लेंगे जी इसको, कह दें आप इक्वेशन नंबर 7 कह दें, टेकिंग इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन नंबर 7, इधर से लिखूंगा मैं, चले टेकिंग इंटीग्रल विद इन लिमिट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 7, और लिमिट्स क्या है, पी नॉट टू पी, यानी कि इनिशियल जो प्रेशर था वो पी था, फाइनल प्रेशर पी है, एक लिमिट ये वाली है और दूसरी जो लिमिट है उसकी एच के लिए वो है जी 0 से लेके एच तक जो हाइट है उसकी, ठीक है, इनिशियल प्रेशर पी नॉट, कब, जब हाइट उसकी सरफेस के ऊपर थी, ठीक है, तो ये इनिशियल प्रेशर है जब सरफेस के ऊपर जो प्रेशर था, और जब उसकी हाइट हो गई तो फिर उसकी जो प्रेशर पी नॉट से पी में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रल ले लेते हैं इसका, तो ये माइनस बाहर निकाल लें, ये है जी डी पी ओवर पी इंटीग्रल पी नॉट टू पी, ठीक है, और फिर इस साइड पर आ जाएं, ये 3/2
इज द कांस्टेंट, ये है जी एम जी ओवर ई के एस एच आ गया। अब ये जो डी एच है इसका भी इंटीग्रल बनता है, तो ये इसकी लिमिट क्या है, जीरो से एच तक, तो ये बन गई जी डी एच। अब यहाँ पे सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला आपने अप्लाई करना है, तो आप देखें कि ये माइनस तो चलो बाहर ही लिख दें एस सच ही, बाकी ये जो इसके इंटरनल है वो उसकी लिमिट आ जाएगी। अगर हम उसको, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, चलें ये माइनस आ गया, उसके बाद है जी ये हमारे पास डी पी ओवर पी, दिस इज द प्योर मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन 3/2 एम जी ओवर ई के, तो आना ही था ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसकी लिमिट आ गई जी, ये आ गया हमारे पास h, और h की लिमिट क्या है, जीरो से डी एच, और इसकी लिमिट क्या है, ये वाली जीरो से लेके h तक इसकी लिमिट है। अब इन लिमिट्स को हम ओपन कर देते हैं, तो जब इन लिमिट्स को खोलेंगे तो हमारे पास ये नेचुरल लॉग बन जाएगा, यानी कि ये बन गया हमारे पास ln, जिसको नेचुरल लॉग कहते हैं, p माइनस ln p नॉट, दिस इज इक्वल टू 3/2 एम जी ओवर ई के, और इसके लिए हमारे पास बन गया बेटा जी h माइनस जीरो, अगर इस लिमिट को अप्लाई किया। ये मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, तो ये अगर ये माइनस है इधर है ना, तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा, और जब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा एल एन पी प्लस एल एन पी नॉट 3/2 एम जी ओवर ई के इंटू एच, ये एच माइनस जीरो तो एच ही हो गया, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये प्लस का है ना, इसको मैं लिख दूँ जी ये एल एन और ये पी नॉट, और ये जो माइनस वाला है इसको इसके डिवाइड कर दूँ, सिंप्लीफाई ऐसे कर दूँ, तो ये मैंने कर दिया, इट विल बिकम 3/2 एम जी एच ओवर ई के, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहां से देखें जी, अब यहां से हम जो एक लॉ है उसको अप्लाई करना है, उसको कहते हैं पेरेंट्स लॉ। अब उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो उससे जो रिजल्ट मिलते हैं जस्ट वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसका रिजल्ट ये है कि ये जो एम जी इज इक्वल टू होता है एम जी एन ए इंटू वन रॉ प्राइम ओवर रॉ, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू पेरेंट फार्मूला ये होता है, तो अब इसको प्रूव करने लगे तो ये एक अलग से एक उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएगी, वो अलग से हम अप्लाई करेंगे। इसको आप यहाँ पे यही याद कर रख लें कि अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स लॉ, नोट्स आपने बना लिए होंगे, तो ये वाली जो साइड है यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो अब मैं उसको फिर आगे लेके चलूंगा इधर से, ठीक है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, ये पैरेलल लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये इसकी वैल्यू लिख ली है, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो इट विल बिकम एल एन पी नॉट ओवर पी इज इक्वल टू 3/2 ओवर ई के, ओके हो गया। और अब पैरेलल लॉ वाली वैल्यू लगाएं एम जी की जगह के ऊपर, ठीक है। तो ये इक्वेशन है ना, ये 3/2 एस एच आ गया, ई के भी आ गया, एम जी की जगह के ऊपर ये वाली वैल्यू लगा दें, ये होता है एम जी एन ए इंटू वन रॉ प्राइम ओवर रॉ, ठीक है। और साथ इसके हमारे पास अभी एच पड़ा है ना, एच आपने साथ लिख देना ये वाला, तो ये एच आ गया, एम जी की वैल्यू ये वाली आ गई, ई के साथ एस एच आ गया, 3/2 एस एच आ गया, कुछ भी नहीं अभी हमने इसमें चेंज वगैरह किया हुआ।
तो अब यहां से हम देखें कि ये जो m है ना बेटा, ये वाला ये है मैस, और आपको पता है डेंसिटी क्या होती है। दोबारा इधर से आ जाएं, डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस को अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, दिस इज द एम। इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें आप, अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, इट विल बिकम ln p0 over p, दिस इज इक्वल टू द 3/2। इसकी वैल्यू एज सच लिख दें e के, अब m की जगह के ऊपर लिखें वैल्यू इसकी क्या होती है जी, रॉ वॉल्यूम एन ए इंटू वन रॉ प्राइम ओवर रॉ मल्टीप्लाइड बाय h। ठीक है, अब e के की वैल्यू यहां से मैंने निकाली थी, तो आपके पास आपने नोट्स बनाए होंगे, वहां से आप देख लेंगे ई के की वैल्यू क्या है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसको पुट कर रहा हूँ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द ई के, उसको मैंने इक्वेशन का कोई नंबर भी दिया था, आपके नोट्स में नोट होगा, देखिएगा या वीडियो को पीछे करके बैक करके देख ले, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई के, अब वही जो हमने इधर लिखी थी वैल्यू उसको इधर ले आए, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन अब जो बन जाएगी, ln p0 over p इज इक्वल टू 3/2। लें जी हमारे पास है जी रॉ वी एन ए एच इंटू वन प्राइम ओवर दिस, ई के की वैल्यू थी हमारे पास 3/2 आर टी। आई थिंक इसको मैंने इक्वेशन नंबर शायद 4 या 5 कहा हुआ है, तो आप वहां से इसकी वैल्यू देख लें, आपके पास नोट्स में है, मेरे पास ये स्पेस थोड़ी थी इसलिए मैंने इसको ये रिमूव कर दिया। अब यहां पर आप देखें कि ये वाली जो 3/2 है और ये वाला 3/2, ये एक दूसरे से कट होते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ना इस वैल्यू को, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 यहीं पे रहेगा, तो ये आपस में ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, और चलें इनको कैंसल आउट कर देते हैं, एक स्टेप और हो जाएगा हमारे पास, तो ये बन गया जी ln p0 over p, ये कैंसल आउट हो गए, रिमेनिंग आपके पास बेटा जी बच गया जी रॉ वी एन ए एच ओवर आर टी, और ये हमारे पास जो है ना ये रॉ, इसको मैंने इसका अगर रॉ का एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया जी रॉ इंटू रॉ प्राइम ओवर रॉ बन गया ये वाला भी, ठीक है ये वाला भी रॉ हो गया। अब ये वाला जो रॉ है ये इससे कैंसल आउट हो गया, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए, तो हमारे पास ये बन गया जी p0 over p इज इक्वल टू, अब मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ जी, एन ए और इसके साथ है जी v और फिर इसके साथ है h और रॉ रॉ प्राइम माइनस ओवर आर टी, ठीक हो गया ना बेटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी। तो अब ये जो स्फेरिकल वॉल्यूम होता है ना हमारे पास, हम क्योंकि इसको कंसीडर स्फेरिकल ही कर रहे हैं ना, जो एटम होता है हम कहते हैं ये स्फेरिकल इन शेप होता है, और जब वो स्फेरिकल होता है तो जो स्फेरिकल का वॉल्यूम होता है ना वी, वो होता है 4/3 π r³। आई थिंक यही होता है 4/3 π r³, यही होता है, ठीक है 4/3 π r³ होता है। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो एवोगैड्रोस नंबर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, तो वो हमारे पास जो उसकी होती है शेप वो स्फेरिकल, तो उसका जो वॉल्यूम है उसको यहाँ पे लिख दें। और सिमिलरली ये जो पी नॉट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो पी नॉट है ये एन नॉट के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ, ये बन गया जी ln n0 over n, एन ए एस सच रह गया हमारे पास, और वॉल्यूम इधर आ गया हमारे पास जनाब 4/3 π r³ ओवर आर टी, ठीक है, उसके साथ है जी एच, उसके साथ है जी रॉ माइनस रॉ प्राइम। अब यहां से इसको सिंपलीफाई हमने कर लेते हैं इस इक्वेशन को,
तो अब मैं इसको अरेज कर रहा हूँ, आपने अपने हैंड आउट बना लिए होंगे साथ साथ। बस काम खत्म हो गया है, इसको मैं जस्ट रीअरेंज करने लगा हूँ। रीअरेंज इट मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको आपने लिख लेना जी, रीअरेंजिंग। बाय रीअरेंजिंग वी ऑब्टेंड। अब यहां से आपने जरा इसको रीअरेंज कर लेना, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए ये आर टी इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो इधर ले आएंगे तो ये आर टी ये नीचे डिनोमिनेटर है तो इधर आके नॉमिनेटर बन जाएगा। एन ए इधर नॉमिनेटर है तो इधर आके ये डिनोमिनेटर बन गया। ठीक है, बाकी हमारे पास जो बचा उसको एज सच लिख दें, 4 बाई 3 पाई r³। ये लिख रहा हूँ मैं, 4 बाई 3 पाई r³ h इंटू रॉ माइनस रॉ प्राइम। ठीक है, अब ये जो आर टी ये इधर मैं लेके जा चुका हूँ, ये देखें ये आर टी इधर चला गया, ये वाला जो एल एन रह गया ये इधर आके माइनस हो जाएगा। एल एन इधर प्लस का है ना, एन नॉट ओवर एन। ठीक है, जस्ट उसको रीअरेंज किया है। फिर देखिएगा मैंने किया क्या है, कुछ भी नहीं, मैंने जस्ट इसको इधर ले गया हूँ, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया। आर टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये अबव चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एन ए इधर नॉमिनेटर है तो यहाँ पर जाके डिनोमिनेटर हो गया। और तो कुछ भी नहीं किया, कोई नई चीज़ नहीं की हमने। अब क्योंकि हम एन ए को फाइंड करना चाहते हैं एवोगेट उस नंबर को, तो हम इस इक्वेशन को ज़रा उल्टा देते हैं। अगर इस इक्वेशन को उल्टा दें तो हमारे पास ये एन ए ओवर आर टी हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन भी उलट गई, ये 4/3 है, ये 3/4 हो जाएगा। ये नॉमिनेटर वाले डिनोमिनेटर हो जाएंगे, ये बन जाएगा जनाब पाई r³ h इंटू रॉ रॉ प्राइम। ये माइनस था तो ये यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर एन नॉट ओवर एन बन जाएगा। ठीक है, उल्टा दिया है ना हमने इस सारी चीज को, उल्टा दिया इक्वेशन को, उल्टा दिया तो ये बन गया अब हमारे पास। अब देखें ये जो एन ए है इट विल बिकम 3/4 पाई r³ h रॉ रॉ प्राइम एल एन एन नॉट ओवर एन। ये आर टी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये बन जाएगा जनाब 3 r t। ये वाली जो इक्वेशन है बेटा, ये एवोगैड्रोस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए होती है। ठीक है, 4π r³ h उसके बाद है जी रॉ माइनस रॉ प्राइम एल एन एन नॉट ओवर एन, नंबर ऑफ द मालिक्यूल जिसको हम कहते हैं, ये टेम्परेचर है, हाइट है, और ये उसका साइज है, रेडियस, जो सारी चीज़ें इसके ऊपर ये डिपेंड करती हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो तो आपको पता ही है, वो 6.02 × 10⁻³ होती है, ऐसे ही है ना। इसकी जो वैल्यू होती है वो ये वाली, तो ये हमारी एक डेरिवेशन थी, और ये आपको या प्योर मैथमेटिकल ये वाली सारी चीज़ें हैं। इसको आप नोट्स, सबसे पहले तो अगर आप इसके हैंड आउट बनाएंगे तो आपको तब आएगा, इसको बार बार लिखेंगे चीज़ों को समझेंगे तो फिर ये कोई मुश्किल नहीं है। तो ये डेरिवेशन ऑफ एंड कैलकुलेशन ऑफ द, हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर था।